अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह के 5:15 तकरीबन हो चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं कुमराट वैली के लिए और नीचे गाड़ियाँ भी आ गई हैं और साथ साथ लोग भी इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और मैं भी बस नीचे आ रहा हूँ। सब पीछे ये मौसम देखें, क्या कमाल किस्म का मौसम ये हो गया हुआ है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ E11 में और यहाँ से हम लोग सारे जो हैं वो निकलेंगे कुमराट की तरफ। और तो इस वक्त हम कुमराट वैली के लिए निकल चुके हैं और हमारा रूट जो है वो इस्लामाबाद से हम निकले हैं और यहाँ से हम M1 पे जाएंगे और M1 पे जाते ही हम स्वात एक्सप्रेस मोटरवे पे चढ़ेंगे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से और उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे चकदरा और चकदरा पे जाकर हम जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह का सीन देखेंगे। तो इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सवात मोटरवे टनल में से जो कि FWO के ज़ेरे तमाम बनाई जा रही है और बहुत ही ख़ूबसूरत टनल ये बनाई गई है और इस पे दिन रात काम जारी है। और आप जब सुबह सुबह के टाइम यहाँ आते हैं और इस तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत ही ख़ूबसूरत व्यूज़ आपको दोनों साइड्स पे मिलते हैं। और ये देख लें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ख़ूबसूरत जो है वो नज़ारा है और सुबह सुबह का टाइम है और सूरज जो है वो निकल गया है और काफ़ी गर्मी भी है, लेकिन यह है कि काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और KPK वाली साइड जो है जब आप जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ मिलते हैं। तो ये है कि अभी हम जा रहे हैं और हम देखेंगे कि कहाँ पर रुक के ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हमें भूख लगी हुई है और सुबह सुबह नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करके आए। तो अभी जहाँ पर रुकेंगे वहाँ से मैं ज़रूर आपको आपके साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि हम कहां पर हैं और हम देखते हैं अब कहां पर नाश्ते के लिए रुकते हैं। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं लकी मरवत होटल और यहाँ पर हम जो है नाश्ते के लिए रुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे कुमराट की तरफ जा रहे हैं और ये जो है कोचेस भर के यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं टूरिस्ट आए हुए हैं और सारे कुमराट की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी यहाँ बात भी हुई और उनका भी यही कहना था कि क्योंकि आगे 14 अगस्त की छुट्टियां हैं तो लोग जो हैं वो निकले हैं बाहर और लोग एंजॉय कर रहे हैं। गर्म कपड़े रखे थे आपने सोचा था कि यार ठंड है, लेकिन अब देखें शुक्र है कि ये मैंने इससे मेरा ये फ़ायदा थोड़ा सा हो गया कि अभी मैंने एक काम अच्छा किया था, ट्राउजर रख लिए ताकि उसी में सो जाएंगे, उसी में ही कैंपिंग कर लेंगे। कपड़े रखने की जरूरत नहीं थी भी था और थोड़ा सा फ्रेश हो गया, बड़ा सब कोई भी नहीं सोया हुआ, सबको बड़ी नींद आ रही है तो बस पानी मुँह हटा के सब फ्रेश हो गया। नहीं वो हमारी वाली आगे चली गई। तो ये जी वो डाले हैं काले वाले, वो वाले डाले हैं तो एक डाला आगे जा रहे हैं और एक एक फिर हम लोग हैं और हम लोग 10 हो गए टोटल। खाने पीने का सारा सामान हम साथ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर करेंगे और कैंपिंग वगैरह करेंगे। और हसन जो है, हसन भी ट्रैवलर है, काफ़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज जो है वो विज़िट की हैं और काफ़ी
आप भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का थोड़ा सा अपना एक कोई शेयर करें हमारे साथ, इस तरह की जहाँ हम जा रहे हैं। लंच करके फिर यहाँ से आगे हम जाएंगे कुमराट और वहाँ पर हम करेंगे कैंपिंग और अपना कैंप वगैरह सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम रात के लिए वहाँ पर बारबी करें और या फिर बिरयानी वगैरह बनाएंगे। और यह है कि यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो मैं आपको कुमराट की भी अपडेट इसके साथ देता रहूँगा। और अच्छे लोग हैं यहाँ के बड़े, और बड़े वेलकमिंग लोग हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है आज, और क्योंकि आगे 3-4 छुट्टियाँ आ गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। आप देखते हैं कि आगे ये ट्रिप कैसा रहता है। तो फाइनली हम एंटर हो चुके हैं कुमराट वैली में, और अब जो इससे आगे जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो भी मैं इसी व्लॉग के दूसरे पार्ट में आप सबसे शेयर करूंगा। बहुत ही खूबसूरत व्लॉग होने वाला है। और यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा जो पार्ट है वो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, तो ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।